आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर थ्री को लेके फिर से आ चुके हैं आपके बीच। और क्वेश्चन नंबर थ्री ट्रिग्नोमेट्री क्लास टेंथ। तो बच्चे देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको देख लेते हैं। आपके पास साइन ए की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? साइन ए की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, बट यहाँ पे सर जी फिगर ही नहीं दे रखा, तो बनाएंगे कैसे? एक बार फिगर बना लेते हैं बच्चे। फिगर 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 ओ माय गॉड फिगर अच्छी फीलिंग फिगर के साथ। ठीक है देखो बेटा ये बन गया फिगर, आपको बताइए 90 है। यहाँ पे आपके पास ए बी सी कोई ट्रायंगल होगा, ए बी सी नाम का ए बी सी। अब आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है उसको लिखेंगे। आपको पता है ना पी बी पी एच एच बी और साइन कोस टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अभी आपके पास साइन दे रखा है तो ये कहानी बनेगी बेटा साइन, ये वाला साइन मतलब साइन की वैल्यू दे रखी है। साइन की वैल्यू क्या है? पी बाय एच। इसका मतलब साइन ए आपके पास दे रखा है और वो पी बाय एच की वैल्यू दे रखी होगी। यहाँ पे फिलहाल आपको ए यहाँ पे दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि ए आपको यहाँ पे दे रखा है तो यही क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। तो ए आपको दे रखा है, दिस इज द बेस। सर जी यहाँ पे बेस होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होगा। बस यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दे रखी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। तो बच्चे अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालनी क्या है? बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की। सर जी बी की वैल्यू हाँ पाइथागोरस से। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर ये लगाना है। सर जी ये लगाना है। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? 4 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर। बी नहीं है आपके पास, बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 जा 16, 3 जा 9 प्लस में बी स्क्वायर। बताओ बच्चे यहां तक की बात समझ में आ गई? हां जी सर समझ में आ गई। जो 9 नहीं लगाने के बाद क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि यहां पे क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव यहां पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। और 16 माइनस 9 होता है क्या है? 16 माइनस 9 सर जी 16 में से 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे 7 आएगा, दिस इज बी स्क्वायर। अब जो ए स्क्वायर है इधर जाने के बाद क्या बनेगा? √7, दिस इज द बी। बच्चे समझ में आ गया? ओ माय गॉड बी की वैल्यू तो √7 आ गई है सर, और √7 में बहुत ही ज्यादा डर लगता है। बच्चे रूट से क्यों डर रहे हो? रूट से डरने की जरूरत नहीं, आपको तो वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, और आगे कहानी क्लियर करते रहेंगे आपको, रूट भी रूट से भी डरने लगेगा। ठीक है ना? तो cos a की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है? cos a, cos 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 a cos a। तो cos a की वैल्यू बतानी है। सर जी cos a क्या है? cos a क्या है? सर जी b by h क्या है? b by h। ओ माय गॉड b कहां है? b कहां है? ये रहा b, b by h। इसका मतलब √7 by में h क्या है? और है, बताओ बच्चे समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ। और tan a क्या है? tan a सर tan a क्या है? p by b है। क्या है? p by b। तो p कहाँ है? p by b। p क्या है? 3 है। b क्या है? √7 है। बस आपको ये तो निकालना था, ये दोनों वैल्यू निकालने थे, दोनों आपके आंसर होंगे। दोनों वैल्यू निकालने थे बच्चे, दोनों ही आपके आंसर होंगे। क्लियर? हाँ बच्चे बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, आपको हर एक चीज क्लियर होगी। चैनल पे बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चे ऐसे ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विद राहुल शर्मा स्माइल करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए।